BWF सुपर 100 इवेंट उड़ीसा ओपन 2022 जो उड़ीसा में 25 तारीख से शुरू हुआ था उसका आज फाइनल डे था और इसमें मेन सिंगल, ओमेन सिंगल और ओमेन्स डबल का खिताब इंडियन खिलाड़ी जीते और इसके साथ मेन्स डबल और मिक्स डबल के लिए सिल्वर मेडलिस्ट रहे अपना खिलाड़ी। सबसे पहले मेन सिंगल का फाइनल में किरण जॉर्ज और प्रियांशु राजपूत ने अपने सामने हुए। इस मैच में किरण जॉर्ज ने 2-1 में 21-15, 14-21 और 21-18 के साथ मैच जीते और उड़ीसा ओपन का मेन सिंगल का चैंपियन बने। वहीं प्रियांशु ने सिल्वर मेडल के साथ टूर्नामेंट खत्म किया। ओमेन सिंगल के लिए यंग स्टार उन्नति हुड्डा का ये उड़ीसा ओपन जबरदस्त रहा। पहले दिशा गुप्ता, उसके बाद सामिया इमाद, फिर मालविका बंसोद को हराते हुए फाइनल में पहुंची थी और आज फाइनल में सुमित तसिनवाल को 2-0 स्ट्रेट सेट में 21-18 और 21-11 में हराई और इसी के साथ चैंपियन बन गई। वही सुमित तसिनवाल ने सिल्वर मेडल के साथ टूर्नामेंट खत्म की। फिर मेन्स डबल का फाइनल में रवि कृष्णा और शंकर प्रसाद ने मालवेसन जोड़ी के सामने पहला सेट 21-18 में जीतने के बाद लगातार दोनों सेट 14-21 और 16-21 में हारे और इसी के साथ सिल्वर मेडल जीतते हुए टूर्नामेंट खत्म किए। फिर ओमेन्स डबल का फाइनल में त्रिशा और गायत्री का जोड़ी, जो अपना ही संगीता और श्रुति मिश्रा का जोड़ी को 21-12 और 21-10 स्ट्रेट सेट में हराई और इसी के साथ ओमेन्स डबल का चैंपियन बनी और संगीता और श्रुति मिश्रा ने सिल्वर मेडल के साथ टूर्नामेंट खत्म की। और लास्ट में मिक्स डबल का फाइनल में एमआर अर्जुन और त्रिशा जोली का जोड़ी श्रीलंकन जोड़ी के सामने 16-21 और एक फाइटिंग सेकेंड सेट 20-22 के साथ मैच हारते हुए सिल्वर मेडल के साथ ये टूर्नामेंट खत्म किया। तो ये रहा उड़ीसा ओपन में इंडिया का एक खूबसूरत प्रदर्शन। तो दोस्तों, बैडमिंटन का अपडेट लेके फिर मिलेंगे मार्च में जर्मन ओपन के साथ।